कलमना थाना अंतर्गत चिखली चौक में रहने वाले जितेन निषाद नाम के 8 माह के बालक के अपहरण की जानकारी गुरुवार को रात 10 बजे सामने आई। कलमना पुलिस के साथ शहर की तमाम टीम ने 5 घंटे के भीतर बच्चे की तलाश की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि घटना में मुख्य साजिशकर्ता समेत अपहरणकर्ता दंपति समेत 3 लोग अभी भी फरार है। फरजाना उर्फ असर कुरैशी, सीमा परवीन, अब्दुल रूफ अंसारी, बादल धनराज मड़के, सचिन रमेश पाटिल गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं। मामले के मुख्य मुखबिर श्वेता खान के साथ योगेंद्र प्रजापति, रीता प्रजापति फरार है। रात 10 बजे कलमना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई कि पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई कीचड़ वाली झुग्गी में रहने वाली राजकुमारी राजू निषाद के 8 माह के बेटे का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इसी बीच आरोपी के बारे में जानकारी लेने पर पता चला योगेंद्र और रीता प्रजापति नाम का दंपति 15 दिन पहले राजकुमारी निषाद के घर के सामने किराए पर रहने आए थे। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। इसी बीच गुरुवार सुबह राजू काम पर चला गया। इसके अलावा राजकुमारी भी काम पर चली गई क्योंकि वह बर्तन धो रही थी। इस बार उसने एक छोटे लड़के जितेन को अपनी माँ के पास रखा। दोपहर में घर लौटने के बाद वह उसे वापस ले आई। हालांकि खाना बनाते समय उन्होंने उसे इस डर से बाहर जाने दिया कि वह परेशानी न कर दे। इसी बीच योगेंद्र उसे यह कहकर ले गया कि वह उसे घुमाने ले जा रहा है। हालांकि योगेंद्र दोपहर और शाम के बाद भी जितेन के साथ नहीं लौटा तो उसने पूछताछ की। पता चला कि इस समय उसकी पत्नी रीता और 2 बच्चे घर पर नहीं थे। उसी समय उसने कलमना पुलिस को सूचना दी कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया। जांच में पुलिस ने कॉल डिटेल सीसीटीवी के आधार पर जांच की और बिना किसी से फरजाना उर्फ असर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। उसके आधार पर ऑटो चालक बबलू उर्फ बादल धनराज मड़के और सचिन पाटिल को हिरासत में लिया गया। इस दौरान उसने बताया कि उसने नागपुर में एक दंपति को बच्चे को बेच दिया। तुरंत उसके पास से दंपति को पकड़ लिया गया। शिशु को राजकुमारी को सौंप दिया गया। इसी बीच पुलिस आयुक्त ने भी सभी के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। परिवार के साथ बेहतर संबंध। योगेंद्र के चिखली बसने से पहले वह कलमना इलाके के एक लॉज में रहते थे। वे वहां के मैनेजर प्रकाश बुरेवार के लिए मकान कहां किराए पर ले सकते हैं ऐसा पूछे। इस बार उन्होंने चिखली झोपड़पट्टी में एक घर खरीद दिया जहां वे दोनों अपने बेटे के साथ 2000 रुपए के किराए रहते थे। इस समय राजू निषाद का परिवार 4 बच्चों के साथ विपरीत रहता था। इसी बीच योगेंद्र ने उनकी स्थिति पर ध्यान दिया और उनके साथ संबंध विकसित करना शुरू कर दिया। इस बार वह दिवाली पर अपने बच्चों के लिए तोहफे और कपड़े भी लेकर आए। अपने आत्मविश्वास की मजबूती का फायदा उठाकर जितेन 8 माह के बच्चे का अपहरण कर लेता है। अपहरणकर्ता योगेंद्र और उसकी पत्नी रीता भले ही भंडारा, गोंदिया, छिंदवाड़ा, कोटा, बालाघाट में रहते थे। चिखली झुग्गी बस्ती में हुई घटना के बाद यह बात सामने आने के बाद पुलिस ने शक जाहिर किया कि उन्होंने इस इलाके में भी इस तरह बच्चों का अपहरण किया है। इसी बीच पुलिस आयुक्त ने शक जाहिर किया कि श्वेता खान, जो इस क्षेत्र में मुख्य सूत्रधार है, 2 मामलों में पहले ही दर्ज हो चुके हैं क्योंकि राज्य के बाहर मामले का पालन किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में अतिरिक्त आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, अपराध शाखा के उपायुक्त चिन्मय पंडित, सर्कल 5 के पुलिस उपायुक्त संदीप पखले, यशोधरा, कलमना, पार्डी यूनिट 5 और यूनिट 2 की टीम ने जांच की। पुलिस आयुक्त ने चंद घंटों में मामले को सुलझाने के बाद 1 लाख के इनाम की घोषणा की। इस मौके पर सभी को गुलदस्ता भेंट देकर सम्मानित भी किया गया। रात और दिन मेरे बच्चे के लिए बहुत से मदद किए हैं मेरे को, अब मेरे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। गरीब इंसान हूँ मैं, मेरे बच्चे मिल गए, 8 महीने के बच्चे थे, कैसे भी हालत में लाके दे दिए मेरे बच्चे को, वहाँ तक मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। जय हिंद जय भारत। काल 10 वाजता रात्रीचे सुमारास कलमना पोलीस स्टेशनला एक इन्फॉर्मेशन आली होती की एका कुटुंबांचे एक 8 महिन्याचे एक मुला होता, त्यांना समोर राहणारे व्यक्ती फॅमिली त्यांनी मुलांना घेऊन दुपारी चॉकलेट खरीदण्याचे बहाण्यातून त्यांना ताब्यात घेतला आणि ते मुलांना घेऊन आणि त्यांचे पूर्ण फॅमिली म्हणजे आरोपीनी त्यांचे पत्नी आणि त्यांचे इतर 2 मुले आणि हे 8 महिन्यांचे फिर्यादीचे मुलाला घेऊन पळालेले होते। दुपारी 1 वाजताचे सुमारासची ही घटना होती। रात्री 10 वाजताचे सुमारास फिर्यादीची सर्व शोध घेतल्यानंतर ज्यावेळी त्यांना मुला भेटला नाही त्यावेळी त्यांनी कलमना पोलीस स्टेशनला ही इन्फॉर्मेशन दिली होती। इमिजिएटली माहिती आल्यानंतर त्याचे प्रकरण त्याचे संवेदनशीलता बघून सीनियर PI कलमना श्री पाटील यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि त्यांचे सर्व पथकांना त्यांनी कामावर लागले।
आणि यामध्ये तपास यंत्रणा इमिजिएटली श्री नवीन रेड्डी ॲडिशनल सी पी क्राईम यांचे मार्गदर्शनाखाली डी सी पी डिटेक्शन श्री चिन्मय पंडित, डी सी पी झोन 5 श्री संदीप पखाले आणि वेगवेगळे पथक कामावर लागले. तपासमध्ये हे जे आरोपी होते ते पडून गेलेले होते आणि टेक्निकल इन्व्हेस्टिगेशन आणि सर्व प्रकारचे त्या परिसरात तपास केल्यानंतर असे शेवटी दिसून आला की एक कुटुंब जे इंदोरा चौकचे परिसरात राहतात ते त्यांच्याकडे मुला नव्हता म्हणून त्यांनी आणि त्यांचे नातेवाईकांनी एका आरोपी बादल भडके जे ऑटो चालक आहे त्यांच्याशी मुलांबद्दल संपर्क मुला पाहिजे अशाबद्दल ते बादलनी त्यांना प्रलोभित केला की तुम्हाला आम्ही मुला आणून देऊ शकतो. त्यांनी एक सचिन पाटील म्हणून एक आरोपी आहे त्यांच्याशी संपर्क केला आणि हे दोघेंनी एक रिकॉर्डवरची चाइल्ड ट्रॅफिकिंगमध्ये पूर्वी आरोपी श्वेता खान यांच्याशी संपर्क केला आणि त्यांनी 2.5 लाखमध्ये आप तुम्हाला मुला देतो अशा प्रकारचे त्यांनी त्यांचे डील ठरला. हे जे आरोपी जितेंद्र प्रजापती हे मूळ रहिवासी कोटाचे आहे आणि रीता जितेंद्र प्रजापती ते ओरिजिनली महाराष्ट्राची महाराष्ट्रीयन आहे परंतु यांची पत्नी आहे. त्यांच्याकडे सध्याची तपासात 2 किंवा 4 मुले आहे. यांनी काही 1 महिन्याचे पूर्वी सुमारास ते या परिसरात येऊन एका घरला किरायावर घेतला. त्या घरावर घरात राहून त्यांनी हे समोर राहणारी ही महिलांचे 8 महिन्याचे मुलांसोबत त्यांनी एक एक्वेंटेन्स सुरू केला आणि कम्फर्ट लेवल स्टॅब्लिश केल्यानंतर काल दुपारी यांनी मुला घेऊन पळाला आणि ते पळाल्यानंतर एक त्यांचे मित्र फरजान कुरेशी आणि सीमा तबस्सुम हे 2 आरोपींनी श्वेता खानसोबत ऑलरेडी लिंकमध्ये होती. यांनी मुला फरजान कुरेशी आणि त्यांनी सीमा तबस्सुम आणि शेवटी ते श्वेता खानकडे मुला काल गेला होता आणि श्वेता खाननी हे मुलांना ते कुटुंब जे इंदोरा चौकला राहतात त्यांच्याकडे हँडओव्हर केला होता. ही काल रात्री 2:30 सुमारास मुलांना सुखरूप ताब्यात घेण्यात आला आणि आत्ता सध्या आमचे ताब्यात 4 आरोपी आहे आणि तसेच जे कुटुंब ज्यांनी घेतला होता त्या ते पण आमचे ताब्यात आहे. सध्या 3 आरोपी फरार आहे. यामध्ये सर्व तपास युद्धपातळीवर केल्यामुळे लवकरात लवकर हे मुलं सुखरूप पोलिसांना भेटला आणि त्यांना आम्ही जे विक्टिम फॅमिली होते त्यांचे ताब्यात दिलेली आहे. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज.